हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमानी शर्मा आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल। आज हम बनाने वाले हैं हजारा का चित्र। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक ली है ड्राइंग शीट, जिसके चारों साइड बॉर्डर बना लिया है। साथ ही स्केल और शेडिंग पेंसिल्स का हम यूज करेंगे। स्केचिंग के लिए 6B पेंसिल ले लेते हैं और सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम जो हजारा की लंबाई बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे 15 सेंटीमीटर। तो सेंटर लाइन हम 15 सेंटीमीटर की ले लेते हैं। हजारा क्या होता है? हजारा होता है हमारा पौधों में पानी डालने के लिए जो हम फवारा यूज करते हैं। अब ऊपर वाले पार्ट से हम 3 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से 1/2 सेंटीमीटर अप और डाउन भी हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट हमारा 3 सेंटीमीटर पे है और इसी 3 सेंटीमीटर पे हमें 8 सेंटीमीटर 4-4 सेंटीमीटर बोथ साइड हम 8 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। सबसे नीचे बॉटम पार्ट पे हम 12 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे, तो यहाँ 6-6 सेंटीमीटर दोनों साइड। इसके बाद जो हमने ऊपर लाइन ड्रॉ की थी, इसको 1/2 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे वाले पार्ट से मिलाते हुए एक ओवल शेप को हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे हजारा का ऊपर वाला पॉइंट होगा। अब जो लाइन्स हमने ड्रॉ की हुई हैं उनको हम दोनों तरफ से ज्वाइन कर लेते हैं। दोनों लाइंस को हमने ज्वाइन कर लिया और नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा कर्व कर देते हैं। कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं रहनी, तो ये हमने डबल लेयर लेके इसको कर्व कर लिया। टॉप पार्ट में हमें यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी डबल कर लेना है। तो ये देखिए, ये वाला पार्ट भी आप कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद जो ऊपर का टॉप पार्ट है, यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें एक ओवल शेप बनानी है। पीछे वाला पार्ट पीछे वाली लाइन पर रहेगा और आगे वाला पार्ट जो फ्रंट वाली लाइन है वहां तक आएगा। ये चीज ध्यान रखिए। और टॉप पार्ट से बैक साइड का जो पोर्शन है वहां तक हम इसको मिला लेंगे। जो बीच में लाइंस आएंगी इनको हम कर लेंगे इरेज, और जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन लाइन है उसको भी हम इरेज कर लेते हैं। देखिए, जो ओवल शेप हमने बनाई थी वो ऊपर वाले पार्ट पर हमें आधी दिख रही है और फ्रंट पार्ट पे नहीं दिख रही है। इसके बाद हम हजारा का फ्रंट और बैक पार्ट, यानी कि इसका जो हैंडल है और जहां से फवारा में पानी गिरता है, उस पार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत इजी है ये बनाना। बहुत थोड़ी थोड़ी डिटेल्स इसमें ऐड कर लीजिए, जैसे ये वाली लाइन को थोड़ा सा कर्व करेंगे और बीच में जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी इसको इरेज कर लें, और यहाँ जो फ्रंट पार्ट है इसको हम ओवल शेप बना के इसमें हम छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे बाद में, और पीछे बनाएंगे हम हैंडल। तो ये देखिए, हमें स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताई हैं किस तरह से बनाना है। जो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट है इसको हमने मार्जिन नहीं नाप के बनाया है, इसको हम अंदाजे से ही बना रहे हैं। लेकिन जो इसका बेस है सेंटर वाला, वो हमने स्टेप बाय स्टेप मार्जिन से बनाया हुआ है। तो इस तरह की बाकी स्मृति चित्रण से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए या आलेखन जैसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको चैनल पर मिलता रहेगा और स्टेप बाय स्टेप आप इजीली ड्राइंग्स बना पाएंगे, एग्जाम में आएंगे आपके पूरे नंबर। तो यहाँ पे 10B पेंसिल का यूज करके हम शेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। शेडिंग में हमें सारे में मिक्सिंग नहीं करनी है। देखिए, जो सेंटर वाला पार्ट है जहाँ से हमें डेप्थ दिखानी है वहाँ डार्क कीजिए, और जो टॉप पार्ट है उसको लाइट रहने दीजिए। और ये जो हजारा की लंबाई है इसमें शेडिंग हम लंबाई में ही करेंगे, गोलाई में नहीं करेंगे। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की साइड हम शेडिंग करेंगे और इसी तरह से हम इसको कॉटन से फिर मिक्स करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऊपर से नीचे इस तरह से आप मिक्सिंग कर लीजिए। जहाँ पर हमारा कोई जॉइंट है वहाँ डार्कनेस रहेगी, तो वो चीज़ आप देखिए, कर्व जहाँ पर है वहाँ डार्कनेस रहेगी, बाकी जगह पर लाइट छोड़ दीजिएगा। यही प्रोसेस हमें पीछे हैंडल पर भी सेम प्रोसेस से करना है। जहाँ जॉइंट है, जहाँ शेडो आ रही है वो डार्क, और बाकी जगह पर लाइट। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो स्मृति चित्रण से रिलेटेड बाकी वीडियोज़ के लिंक ऊपर मैंने आई बटन पे एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किए हैं। आप वहाँ जाकर बाकी वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। अब तक की वीडियो का प्रोसेस आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कितनी यूजफुल लगी है। और जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। इससे मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे, और आपके लाइक और कमेंट के साथ मुझे मोटिवेशन भी तो मिलेगा। तो प्लीज अब जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। अब देखिए, हमने जितनी भी लाइंस ड्रॉ की थी उन सबको हमने डार्कन कर लिया है। फवारे के आगे वाले पार्ट पे होल बनाने के लिए हमने डॉट्स लगाए हैं और हल्की सी दिखाएंगे प्रतिछाया, जो शेडो होती है। इसी के साथ हमारा आज का हजारा ड्रॉइंग कंप्लीट हो गया है।
तो ये हज़ारा आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।